डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गजाला फातिमा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर कोर एकेडमी में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक सिलसिला शुरू किया था टॉपर्स टॉक का, जिसमें हम नेट जारिफ एग्ज़ाम क्वालिफायर को आपके सामने लाते हैं, खासकर जो टॉप रैंकर्स हैं उनको। तो आज ऐसे ही एक टॉप रैंक के स्टूडेंट्स हमारे सामने हैं, जिनका नाम है महमूदुर्रहमान हुसैनी, और इनका रिकॉर्ड ये है कि ये नेट जारिफ क्वालिफाई हैं, और जारिफ में इन्होंने पेपर 2 यानी उर्दू में अब तक के सबसे हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए हैं। इनका स्कोर है 100 में 96 क्वेश्चंस का, यानी 200 नंबर में इनके 192 नंबर हैं, ये इनका स्कोर है। और इन्होंने बहुत शानदार नंबरों से, यानी 236 नंबर से जारिफ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो चलिए आज मैं आपसे इनको रूबरू करवाती हूँ। तो इस हुसैनी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल पर। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं अपने बारे में कि आपका ताल्लुक कहाँ से है। नाम तो जान ही लिया होगा आप लोगों ने, और फिलहाल जामिया से ही हमारा एमए चल रहा है, ये सेकंड ईयर है। और मेरा ताल्लुक ऐसे तो लखनऊ से है, और तालीम भी लखनऊ से ही हुई है। नब्बे से फरावत के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया है, उसके बाद जामिया में सिलेक्शन हो गया, तो यहाँ आए तो उसके बाद तैयारी शुरू की। तो ये बताइए कि आपने नेट जारिफ एग्ज़ाम, आपका ये किस अटेम्प्ट में हुआ है? ये दूसरा अटेम्प्ट में। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था? फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 नंबर से रह गया था। जारिफ या नेट? जारिफ 2 नंबर से रह गया, यानी नेट क्वालिफाई हुए थे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, जारिफ सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, बहुत बहुत मुबारकबाद शानदार नंबरों के लिए। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रेटजी शेयर कीजिए कि आपने कैसे पढ़ाई की। अब चूंकि आपने पढ़ाई तो पहले भी की होगी, लेकिन आपका सिर्फ नेट हुआ, जारिफ नहीं हुआ, तो सेकंड टाइम में आपने ऐसी क्या स्ट्रेटजी अप्लाई कि न सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, बल्कि हाईएस्ट नंबर, सबसे हाईएस्ट नंबर पेपर 2 में आपने हासिल किए हैं। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे, आप कैसे पढ़ते थे, रिसोर्सेज क्या थे, तैयारी कहाँ से की आपने? तो ये तमाम चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स को आप बताएं, ताकि ये आने वाले एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में वो भी आपकी स्ट्रेटजी को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करें। तैयारी तो जामिया आने से पहले इरादा बना लिया था कि एमए में एडमिशन लेने के बाद तैयारी सारा फोकस रहेगा इसी के ऊपर, जारिफ के ऊपर। तो हुआ भी ऐसा, शुरू के 2-3 महीने तो यहाँ रहने वहने की उसमें परेशानी जो है उसी में कट गए। उसके बाद अक्टूबर से पढ़ाई शुरू की, हमने रहा था कि जून वाला एग्ज़ाम देंगे, लेकिन फिर उसके बाद मालूम चला कि दिसंबर वाला एग्ज़ाम कैंसिल होकर जो है वो शिफ्ट हो गया है फैब में। सोचा कि इसमें भी एक मतलब ट्राई कर लेते हैं क्या जाता है, तो खैर तैयारी शुरू कर दी। तो उस पहली बात तो ये कि उर्दू के साथ में तैयारी कर ही रहते, साथ में फर्स्ट पेपर भी होता है, असल में फर्स्ट पेपर ही कमज़ोर होता है हम लोगों का आमतौर पर। फर्स्ट पेपर हमने शायद से पढ़ा, उसके बाद यूट्यूब से ज़्यादा देखा हमने, और क्या बोलते हैं, तो साथ में तैयारी फर्स्ट पेपर की चलती रही, और लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा फर्स्ट पेपर पर था, क्योंकि और लोग भी ये कहते थे कि फर्स्ट पेपर अच्छा कर लो तो जो है तुम्हारा हो जाएगा जहर जल्दी। तो बस उसी चक्कर में हम भी जो है फर्स्ट पेपर में लगे रहे, और उर्दू पे रहा फोकस रहा, लेकिन कम रहा फर्स्ट अटैम्प में। जी हाँ, तैयारी रही उसकी भी, एक तो ये था कि जो है जून का एग्ज़ाम था, लेकिन ये हुआ कि फरवरी में हो रहा है तो फिर दे देते हैं एक मरतबा। तो ये है कि उसमें जो है हमारे 2 पोर्शन कमज़ोर थे उर्दू में, हालांकि उस टाइम तो लग रहा था कि सब हो ही जाएगा, कोई मसला नहीं है, कि गज़ल वाला पोर्शन और अफसाने के किरदार, ये 2 पोर्शन हमारे नहीं हुए थे। तो लेकिन फरवरी आते आते एक तो हमने कवर कर लिया था, यार अफसाने वाला, लेकिन गज़ल वाला हमने छोड़ दिया था, उसमें हाथ तक नहीं लगाया था, बस एक मरतबा शुरू तैयारी में पढ़ा था, सारी गज़लें पढ़ी थी, उसके अलावा देखा नहीं। और सभी जानते हैं कि पिछले बार फरवरी वाले में क्या हुआ, कम से कम 25 सवाल थे अशार से। जी, तो जाहिर तैयारी तो नहीं थी, लेकिन बाद में जब हुआ नहीं इसमें, तो हमने चेक किया कि भाई हुआ क्या, मसला क्या था। तो वही चीज़ थी कि जो है अशार वाले क्वेश्चन देखे थोड़ी घबराहट हुई, और हालांकि वो तमाम जितने भी अशार वाले सवाल थे सब सही हुए हमारे, और ख़राब हुए हमारे अफसाने वाले। तो वो देखा, वो समझ में आया कि क्या हुआ, क्या क्या कमियाँ रह गई हमारे उसमें। तो एक तो ये है कि जो है तैयारी करें तो पूरी तैयारी करें, सब पर बराबर आपका फोकस रहना चाहिए, यानी जनरल पेपर और जनरल पेपर अपने पेपर में। जी हाँ, नहीं ऐसे अपने पेपर में कभी भी क्या होता है कि आदमी कुछ यूनिट्स पर ज़्यादा तवज्जो देता है, कुछ यूनिट्स छोड़ देता है, तो ये नहीं करना चाहिए। वैसे हमने किया कि ये सवाल तो सही हो गए, लेकिन वो जब पढ़ के नहीं गए तो लगा कि यार ये गलत होगा हमसे, इस टाइप का जो है फैला जाते हैं वहाँ पर एग्ज़ाम देने में टाइम, तो जाहिर सी बात है वो होता भी है। तो ये है कि जितने भी आप यूनिट्स कवर करें तो सब पर बराबर तवज्जो देनी चाहिए, और बराबर तवज्जो दें और मुकम्मल ईमानदारी के साथ तैयारी करें,
अच्छा ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है, जितनी भी एक तो मरसा बैकग्राउंड से होते हैं हम लोग उर्दू वालों की ज़्यादा अच्छा होता नहीं, बल्कि आमतौर पर फर्स्ट ईयर ज़्यादा लोगों को अच्छा नहीं होता है। जी जी, हमने और भी लोगों को देखा जो स्कूल वाले हैं तो उनका भी हाल ख़राब ही रहता है। जी जी, तो सबसे आसान तो हमें यही ख्याल आया कि जो है अपना पेपर हम जितना मजबूत करना चाहें उतना कर लें। अच्छा, फर्स्ट ईयर में हम कितना वक्त दे सकते हैं, 6 महीने होते हैं 8 महीने अगर जब तैयारी आदमी शुरू करता है तो इतना ही टाइम रहता है आमतौर पर, तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ज़्यादा फोकस करें अपने कदर के ऊपर, क्योंकि आपको आगे उसी में जो है PhD भी करनी होती है, हाँ वही आपका मजमून होता है, तो उसमें आप इतनी मेहनत कर लेंगे जितने अगर आप 2 यूनिट्स इसके जो है कवर कर रहे हैं क्या बोलते हैं अपने पेपर पे के, तो उतनी देर में सिर्फ आपका 1 यूनिट होगा उसका फर्स्ट पेपर, तो इससे अच्छा अपना 2 यूनिट आप मुकम्मल कर लीजिए कायदे के साथ। और फर्स्ट पेपर हमने दूसरे अटैम्प्ट में अपना एवरेज रखा, यानी ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, जो नोट्स बनाए हुए तो उनका रिविजन करते थे खाली, और लेकिन वो मजबूरी आपके साथ मदरसा बैकग्राउंड में होने की वजह थी। जी हाँ, तो अच्छा, तो उसके लिए आपने क्लासेस भी की। जी हाँ, तो आपका DI वगैरह का क्वेश्चन सही हुए? हाँ, DI के क्वेश्चन सही हुए, तो मसला होता है उसमें सारे कैलकुलेशन का, वहाँ पे एक नंबर खराब हो गया, गलत हो गया, आपने गलत जोड़ लिया तो फिर वो पूरा। अच्छा, तो क्या मदरसे में आप लोगों को 9th, 10th, 11th, 12th में मैथ्स नहीं पढ़ाई जाती है? पढ़ाई तो जाती है लेकिन लेवल जाहिर सी बात है वहाँ तो, और तवज्जो भी उस पर नहीं रहती है मदरसे वगैरह में, तो ये भी एक चीज़ रहती है। तो बस आई थिंक मदरसे वाले स्टूडेंट्स के लिए ये आपका मैसेज है कि उन्हें दोनों पेपर और अपने पेपर को तो बहुत मजबूत पकड़ना चाहिए और जनरल पेपर पे भी फोकस करना चाहिए ताकि दोनों को बैलेंस हो जाए और JRF क्वालिफाई हो जाए। जी जी, तो मुझे लगता है आपका आपका ये पैगाम बहुत सारे स्टूडेंट्स मदरसा बैकग्राउंड है जिनका वो सुन रहे होंगे, आप उनके लिए मिसाल भी हैं कि आपने दोनों पेपर को, चूँकि आपका फर्स्ट पेपर ज़्यादा चूँकि वो बैकग्राउंड ना होने की वजह से वीक था तो आपने इसीलिए अपने सब्जेक्ट में और ज़्यादा मेहनत की ताकि वो कवर हो जाए, लेकिन अगर हम दोनों को शायद साथ में लेकर चलें तो हम एक ओवरऑल परसेंटेज अपना बेहतर कर सकते हैं। अगर वक्त कम है तो फिर जो ज़्यादा अच्छा है उसको और ज़्यादा पढ़िए और दूसरे को छोड़िए नहीं, छोड़िए नहीं, हाँ छोड़िए नहीं, कवर तो कर लीजिए उसका, हाँ लेकिन कवर करना है उसको। और जो लोग ये गलती करते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई कि जिनका जनरल पेपर सिर्फ 25 नंबर है 30 नंबर है और अपने पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स हैं लेकिन ओवरऑल स्कोर में वो रह जा रहे हैं, तो अपना पेपर और जनरल पेपर दोनों को साथ लेकर चलना है, जो आपका ज़्यादा अच्छा है उसमें ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करना है, जो कमज़ोर है वो तो ऑलरेडी कमज़ोर है उसको बस लाइए कि लेवल पे वो आ जाए। जी जी, तो अच्छा ये बताइए कि आपने आपने तमाम चीज़ें कवर की, जैसे अफसाने पढ़े तो आपने ओरिजिनल अफसाने पढ़े होंगे, सिर्फ उनकी तलखीस या कैरेक्टर याद नहीं किए होंगे, तो आप एवरेज में रोज़ाना कितने घंटे पढ़ते थे? एवरेज में मतलब बहुत पहले से तो आपने तैयारी शुरू नहीं की, दिल्ली आए तो एक साल के अंदर ही हाँ। एक साल भी क्या, उससे भी कम टाइम, आई थिंक आप अगस्त में आए होंगे, तैयारी अक्टूबर से शुरू की, अक्टूबर से, तो अक्टूबर से ये जून तक में, जून में एग्जाम हो गया था, अक्टूबर से मई तक, तो ये जो टाइम रहा आपका 7-8 महीने का, उसमें एवरेज में आप कितने घंटा पढ़ते थे? देखिए एक तो ये है कि जो है मसला यहाँ पर ये है कि कितने घंटे पढ़ना है ये नहीं तय करना है, ये करना है कि कितना पढ़ना है। बिल्कुल जी हाँ, तो वही हमने कहा कि कितना पढ़ना है इस पर फोकस किया, अब वो हमारा चाहे 2 घंटे में हो जाए, 4 घंटे में हो जाए, 5 घंटे में हो जाए, वो मैटर नहीं करता था मेरे लिए, इसलिए पहले से आप एक एम तय करते थे कि आपको आज ये पोर्शन मुकम्मल करना है, ये यूनिट मुकम्मल करनी है, वो यूनिट पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना वक्त दे रही है और आपका बैक में कितना मुताला है तो वो कवर करने का टाइम कितना है। तो और आप क्या करते थे, याद कैसे रखा आपने? तो पढ़ना पढ़ते तो सब हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, उस वो भी पढ़ते हैं, लेकिन याद कैसे आपको इतनी देर रह गया वो आप बताइए, आप रिवीजन कैसे करते थे, अपने नोट्स कैसे बनाते थे, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे स्टूडेंट्स के साथ ताकि वो फॉलो करें आने वाले एग्ज़ाम में, उनके लिए आसानियाँ हों। इस सिलसिले में सबसे अहम तो हमें जो लगा, जो चीज़ महसूस हुई वो ये थी कि सिलेबस एक बार कवर कर लीजिए खुद से, है ना, और उस टाइम रिवीजन ना करिए, उस टाइम सिलेबस कवर कर रहे हैं, जब एक मरतबा पूरा सिलेबस कवर हो जाए उसके, और आप साथ में एक काम ज़रूरी करना है कि जो है सिलेबस कवर करने का साथ उसके नोट्स बना ले जाइए, ठीक है, और उसके बाद जो है सिर्फ रिवीजन काम रह जाता है, एक बार सिलेबस पूरा कवर हो गया तो उसके बाद बस रिवीजन ही रिवीजन है, क्योंकि रिवीजन ही है जो आपको जीत दिलाएगा, वरना तो कुछ होने वाला नहीं है, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। और एक और चीज़ होती है कि लोग जो है देखिए जो चीज़ निसाब में शामिल है, अफसाने हो गए, खुदनविश्त हो गए, सफरनामे हो गए, वक्त है आपके पास तो इसको आप, हम तो कह रहे हैं टेक्स्ट पढ़िए, जो असल मतन है उसे पढ़िए, और हमने भी यही किया था, हमने असल मतन पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने पूरा सिलेबस एक बार कवर किया, उसके नोट्स बनाए, ये सब किया, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप सिलेबस का पूरा कवर करिए, उसके बाद अपने नोट्स बनाइए
और नोट्स बनाने के बाद जितना रिवीजन करना चाहें कर पाएँ आप उतना करिए। तो हमने तकरीबन कुछ नहीं तो 10-15 रिवीजन तो किए ही होंगे ऐसे ही। अच्छा, हाँ मतलब ये कम से कम हम बता रहे हैं आपको, वरना रिवीजन तो ये था कि एक हफ्ते में एक रिवीजन मुकम्मल होना है हमारा, ये हमारा तय था पहले से। जी हाँ, तो जब रिवीजन करना शुरू किया हमने तो सबसे पहले चीज़ यही ध्यान दी कि रिवीजन क्या, सबसे पहले तो नोट्स बनाए, उसके बाद रिवीजन पर ध्यान दिया। और साथ में याद करने के लिए एक तो ये होता है कि आपने रट ले, तो रटने से तो भाई हमारा रटने वाला मिजाज नहीं है, तो बस यही था कि रिवीजन बार बार करते तो हैं, हाँ आदमी भूल जाता है, तो उसके लिए तो बस ये था कि रिवीजन जितना हो पाए हमसे उतना अच्छा है। यानी आपने जो याद करने का तरीका अपनाया, एक तो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िया। जी हाँ, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने के बाद आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ तो लिया, ओरिजिनल टेक्स्ट तो बहुत बड़ा है, अगर सिलेबस देखें तो पहाड़ की तरह से सिलेबस है और एग्ज़ाम भी उतना ही बड़ा है, तो सिलेबस बड़ा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम भी बड़ा है, लेकिन उसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका आपके नज़दीक शायद हम सबके नज़दीक यही है और आपने भी उसको फॉलो किया कि उसको रिवीज़न करते रहे। रिवीज़न करने से चीज़ें एक तो आपको हर वक्त याद रहती हैं, हर वक्त जहन में चलती रहती हैं और आपका जहन जहनी तौर पर आप तैयार होते हैं, और किसी चीज़ का एक ये ट्रिक भी काम करती है कि आप किसी चीज़ के लिए जहनी तौर पर तैयार हो जाएँ और उसका रिवीज़न करें तो वो हर वक्त आपके जहन में चलता रहता है, तो एग्ज़ाम तक आपको वही रहा। और गाइड्स वगैरह थी आपकी भी किताबें, उसके बाद उनकी है क्या बोलते हैं ज़िया उर्दू है, मुमतहीन है, कुल्यात अदब है वसीम भाई, वो भी अच्छी है। तो एक और चीज़ ये रही कि याद करने में कि एक तो इतनी बड़ी चीज़ें होती हैं, सब कुछ जहन में रखना आसान नहीं होता है, तो तब आपने ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने के बाद तमाम गाइड बुक्स जो आपके पास अवेलेबल थी उनको आपने उनसे भी हेल्प ली, ताकि क्योंकि गाइड बुक में ये होता है कि बहुत सारी चीज़ एट ए टाइम एक जगह पे जमा हो मिल जाती है आसानी, और अगर आपने ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ रखा है, मुताला कर रखा है, तो तब आपको बड़ी आसानी होती है। एक चीज़ और है कि ऑब्जेक्टिव, हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, तो सब्जेक्टिव पढ़ने का फायदा नहीं है कोई। आप सब्जेक्टिव पढ़ोगे 100 समय पढ़ोगे, उसमें से 3 सवाल आपके हल होंगे, 100 समय पढ़ने में जो टाइम लगेगा उसमें आप यहाँ पर 100 सवाल हल कर लेंगे ऑब्जेक्टिव में, बिल्कुल, तो वो भी एक चीज़ है। तो एक तो निसाब में शामिल ओरिजिनल टेक्स्ट, जी हाँ, फिर उसके बाद अपने नोट्स, गाइड बुक, इन सबके मदद लेनी है। अच्छा, जनरल पेपर आप तो शायद स्टूडेंट शायद मैं बताना चाहूँगी कि जनरल पेपर में एस एम हुसैनी हमारे फर्स्ट पेपर में उर्दू तो ऑलरेडी वो बहुत अच्छी सफ़रनामे बड़े अच्छे लिखते हैं, ये इनको सफ़र करने का बड़ा शौक है और ये सफ़रनामे लिखते हैं, और ये उस ज़माने की बात है जब बीए के तालिब है, मतलब तब से ये सफ़रनामे लिखते हैं, शायरी भी बड़ी अच्छी करते हैं, इंशाल्लाह एक शायरी का सेशन भी इनका रखेंगे हम लोग आइंदा कभी, तो शायरी भी बड़ी अच्छी करते हैं, तो एक और इनको जो माहौल मिला है अदबी माहौल, ये नदवा से फारिग हैं और शायद आप नदवा कैंपस में ही आपकी फैमिली वहीं पे रहती है, इनकी इनके जो फादर हैं वो नदवा में ही हैं, तो इनका जो इनकी जो रिहाइश गाह है वो नदवा कैंपस के अंदर है, तो इनको बचपन से जो इल्मी अदबी माहौल मिला और ख़ास कर इनकी ज़बान लखनऊ की तो है ही, और लखनऊ के साथ साथ उर्दू अदब की भी ज़बान इनकी बहुत अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कभी उसकी ज़रूरत पड़ी। सेल्फ स्टडी से आप देख रहे हैं कि अब तक का उर्दू में सबसे हाईएस्ट स्कोर इनका है जो हमारे पास मौजूद है, इस 96 क्वेश्चंस का, तो अब तक जो स्टूडेंट्स आए किसी के 92 हैं, फिर उसके बाद 96 हैं हमारे पास। तो फर्स्ट पेपर आपने बाकायदा तौर पर शाहिद सर से पढ़ा, तो आपको शाहिद सर का तरीका कैसा लगता था पढ़ने में, समझ में आती थी चीज़ें? जी हाँ, अच्छा रहा, और सर ने बेसिक से ही पढ़ाया, असल में हम सर ज़्यादा होता है डीआई वगैरह में, और चीज़ें हम कहीं से कवर कर लेते हैं, लेकिन डीआई वगैरह ऐसा होता है कि वो मैथमेटिकल रीजनिंग डीआई, हाँ वो उसमें परेशानी होती, तो शाहिद सर ने जो बेसिक से पढ़ाया वो और जो है समझ में आया, और पढ़ाते भी अच्छा है वो, ज़ाहिर सी बात है जी, तो उससे भी काफ़ी मदद मिली चीज़ों को हल करने में जी। तो और अगर हमारे स्टूडेंट्स की आगे की क्वेरीज रहेंगी कि वो आपसे कुछ मदद लेना चाहेंगे, आपकी स्ट्रेटजी जानना चाहेंगे, तो मैं चाहूँगी कि आप फिर कभी हमारे चैनल पे आएँ, और हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स आपकी शायरी भी सुनने की ख्वाहिश करें तो आप एक बार अपनी शायरी भी सुनाइएगा। तो एस एम हुसैनी एक तो सफ़रनामे बहुत अच्छे लिखते हैं, तहरीर उनकी अच्छी है, आप ऐसे नेट पे सर्च करेंगे तो उनके बहुत सारे मजामीन मिल जाएंगे आपको, लिखते भी अच्छा हैं, मज़मून वगैरह और तबसरा वगैरह मैंने उनकी किताबों पर देखे हैं, और जो बहुत सारे ऑनलाइन भी मौजूद हैं, एक शायद उर्दू दुनिया ने भी छापा था, तो उनकी तहरीर बड़ी अच्छी है और बोलने में भी अच्छी है, लिखने में भी अच्छी है। अब चूँकि उनका ताल्लुक लखनऊ से है जहाँ की तहजीब तो आप और हम सब वाकिफ़ हैं, और ख़ासकर उनका जो बैकग्राउंड है, जो अदबी बैकग्राउंड है, नदवा से फारिग हैं और वहीं उनकी रिहाइश है उनके पेरेंट्स की उनकी, तो उनको जो एक इल्मी अदबी माहौल मिला और उसका असर देखने को मिलता है कि जब किसी को बचपन से इल्मी अदबी माहौल मिलता है, तो जब वो ग्रेजुएशन में थे तब उन्होंने सफ़रनामे लिखने शुरू कर दिए, शायरी अच्छी करते हैं,
बोलते अच्छे हैं, ज़बान अच्छी है, तो वो तमाम चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला वो फिर कभी हमारे चैनल पे आएंगे। अगर आप और कुछ हमारे स्टूडेंट से कहना चाहते हैं और उनके लिए दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें भी दिसंबर 2023 में कामयाबी अता करें और वो आपके टिप्स टिप्स जो भी हैं फॉलो करें और कामयाबी हासिल करें। और कोई आखिरी पैगाम आप देना चाहें सबसे कि फिर कह दीजिए हमारे स्टूडेंट को कि सबसे पहले तो पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए और ईमानदारी के साथ पढ़िए जी। इससे बड़ा मसला हम अपने लोगों को धोखा देते हैं कि यार हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन होता नहीं है ऐसा आमतौर पर। तो तैयारी करिए और ईमानदारी से तैयारी करिए, इंशाल्लाह निकलेगा। वो चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इंसान की बस में ना हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी फिर एक बार सबकी तरफ से मुबारकबाद, मेरी तरफ से मुबारकबाद और इतने अच्छे नंबर हासिल करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपके वालदैन को जिन्होंने आपको ऐसा माहौल मुहैया किया बचपन से कि आपको इस काबिल बनाया, तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद और आपके वालदैन को मुबारकबाद और आपके दोस्तों को भी मुबारकबाद जिन्होंने हर वक्त आपको सपोर्ट किया। मैं मुझे याद है पिछली बार जब आपका जीआरएफ नहीं निकला था तो आप कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो आपके उन दोस्तों का भी शुक्रिया जो आपको कमरे से बाहर लाए और फिर से एक बार महफिल में लेकर आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपको अपने चैनल पर कभी बुलाएंगे, हमारे स्टूडेंट की ख्वाहिश होगी तो हम फिर आपको बुलाएंगे, आपकी शायरी एक बार सुनेंगे। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।